रखती हूँ। अपनी खिचड़ी की तैयारी कर रही हूँ और खिचड़ी के लिए मैंने पानी यहाँ पे गर्म होना रख दिया। तो हमारी खिचड़ी बनकर रेडी हो चुकी है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे व्यस्त होंगे। और आज हो गई है 14 जनवरी और आज है मकर संक्रांति। सबसे पहले तो मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को मकर संक्रांति की बहुत बहुत ज़्यादा बधाइयाँ हों। और आज बना रही हूँ मैं आलू मेथी की सब्जी। और मकर संक्रांति के दिन भी हमारे यहाँ पे काली दाल की और चावल की खिचड़ी भी बनाई जाती है। और वैसे तो बाजरे की खिचड़ी भी बनाई जाती है। दोनों ही ऑप्शन है, कुछ भी बनाया जाए, पर शुरू में पहले ये इन दोनों में से कोई एक चीज़ बनेगी। तो हमारे यहाँ पे आज रात में मेरी सासू जी ने बाजरे की खिचड़ी कूट के रख दी थी, तो आज मैं उसे बनाऊँगी और आप सबको भी दिखाऊँगी बाजरे की खिचड़ी में क्या क्या सामान डल के बनाया जाता है और कैसे वो बनती है, तो मैं अभी दिखाऊंगी। तो ब्लॉग में बने रहिए और वीडियो को फुल वॉच करना। तो दोस्तों, मेरा काम ख़त्म हो चुका है घर का और मैंने साफ सफाई भी कर ली है और बस अब नाश्ता वास्ता बनाऊंगी उसके लिए, मन्नू के लिए, क्योंकि मन्नू घर पे है और आज चिनमन की भी छुट्टी है और तन्नू और उनके पापा जी गए हैं। और अब मैं नहा भी ली हूँ और अब मैं बनाती हूँ अपनी खिचड़ी की तैयारी कर रही हूँ। और खिचड़ी के लिए मैंने पानी यहाँ पर गर्म होना रख दिया है, ये उबलना यहाँ पर। और मैं दिखाती हूँ खिचड़ी में क्या क्या सामान पड़ता है। बने रहिए ब्लॉग में मेरे साथ और पूरा वीडियो देखना, तो तभी पता लगेगा आप सबको। और ये रही मेरी बाजरे की खिचड़ी जो मेरी सासू जी ने रात में कूट के मुझे दे दी थी सुबह बनाने के लिए। और ये काली दाल है उड़द की और चावल मेरे यहाँ पे रखे हैं ये, और चावल मेरे ये रहे। और स्वाद अनुसार नमक डलता है इसमें, बस इतने ही थोड़ा थोड़ा आइटम ये डलता है, क्योंकि ये फूलेगी बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी, कुकर मेरा भर ही जाएगा। और मैं और जब पानी उबलने के बाद मैं इन सबको डाल दूँगी, जब मेरा पानी उबल जाएगा। और पानी उबलने के बाद भी ये कम से कम 2 घंटा 1.5 घंटा लेगी बनने के लिए, और जब बन जाएगी तब मैं आप सबको भी दिखाऊंगी। और बहुत ही टेस्टी लगती है ये खाने में। और एक बार फिर से मकर संक्रांति की मेरे पूरे YouTube फैमिली को बहुत बहुत बधाई हो, फिर से करती हूँ। और बने रहिए ब्लॉग में और दिखाती हूँ आज का मौसम कैसा हो रहा है बाहर। चलिए बाहर चलते हैं। हाँ, और चुनमुन यहाँ पे बैठी हुई है और आज धूप निकली हुई है, देख ही रहे होंगे आज धूप निकल रही है हमारे यहाँ पे भी। और सुबह तो इतना बेकार मौसम हो रहा था, लग रहा है कि बहुत ही बेकार होगा, सूरज देवता निकले हुए हैं इतनी तो ट्राई कर रही है, क्योंकि अभी से यहाँ धूप में लेटना है ना चुनमुन। अब चुनमुन को लेटना है, लुट लुटी आ रही है क्योंकि आज इसकी छुट्टी है। और तो हमारी खिचड़ी बनकर रेडी हो चुकी है और भाप की वजह से थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा होगा, देख ही रहे होंगे आप। और मैंने ये इसमें कर दी है और चुनमुन ने डाल लिया है दूध, उसे इसे को खानी है दूध के साथ। और वैसे ये खिचड़ी घी के साथ भी खाई जाती है और मैं खा रही हूँ अभी घी के साथ, देसी घी। और चुनमुन बैठ चुकी है इतना बड़ा गुड़ का डला लेके और दूध के साथ, और अब खाएगी। आज ये फुल मस्ती में है। और हमारा भी आ चुका है येरा, और हम भी खा लेते हैं खिचड़ी। दोस्तों बने रहिए ब्लॉग में, मिलते हैं कुछ देर बाद और खिचड़ी का आनंद ले लेते हैं धूप में बैठकर गर्मा गर्म घी के साथ। तो मिलते हैं कुछ देर में दोस्तों। तो दोस्तों, आज की हमने एक छोटी सी वीडियो शेयर करी है आप लोगों से खिचड़ी की और मकर संक्रांति की। इस वीडियो में बस इतना ही दिखाएंगे, ये बस छोटी सी वीडियो है। और इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं हम अगली वीडियो।
में, और तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, छोटे बड़ों का सबका ध्यान रखिए, और बोलते हैं गुड नाइट।